हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड हिंदी से अध्याय नंबर 5 बहादुर बित्तो। ये एक पंजाबी लोक कथा है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। किसान की बीवी कहते हैं पत्नी को, वाइफ को। उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। तो बित्तो ने अपने हस्बैंड से कहा, अपने पति से कहा कि तूने क्या जवाब दिया उसको, शेर को। तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, यानी उसने किसान की डांट लगाई। गाय, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोज रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। आपको पता है ना, पंजाबी लोग लस्सी और मक्के की रोटी और सरसों का साग बड़े चाव से खाते हैं। तो इसलिए उसने कहा, अगर गाय ही नहीं होगी तो हमारे बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे। बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल है मतलब बहुत वीक है, कमज़ोर है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। यहाँ देखो पिक्चर में, घोड़े पर बित्तो बैठकर आ रही हैं शेर के पास। बित्तो ने एक सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही बाकी है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनते ही शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह चार शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थरथर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से चार शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, गद्दारी की है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। आपको बहादुर बित्तो की कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम लोग एक और लोक कथा लेकर आएंगे जो कि नागा लोक कथा है, आप उसका वेट करिए। जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।